ये फ्रेंड बिनियर के ऊपर मैंने पॉलिश मैट किया हूँ। ये मैट पॉलिश इम्पोरियो एशियन पेंट, बहुत ही हाई क्वालिटी का पॉलिश, बेस्ट है। और पूरी प्रोसेस बताऊंगा पॉलिश कैसे किया जाता है। प्योर वाटर प्रूफ है, धूप में बारिश में कहीं ख़राब होने वाला नहीं है ये पॉलिश, और बहुत ही अच्छा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में बेल आइकन को दबा दें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए दोस्तों, और लाइक करके हमारा नोटिफिकेशन बढ़ाएं, और थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को शेयर भी करें। फ्रेंड मेरा नाम मिंटू, आप चैनल देख रहे पेंट की दुनिया। दोस्तों ये विनियर है, और विनियर तो हर एक क्वालिटी का विनियर होता है, उसमें रेसा होता है ये वाला, और इसमें पॉलिश करूँगा, और उधर भी है और काफ़ी नीचे भी है। तो इसमें सभी प्रोसेस बताऊंगा बिनियर के ऊपर कैसे करना चाहिए पॉलिश, वो भी इम्पोरियो पॉलिश करके बताऊंगा इस पर मैट फिनिश। तो फ्रेंड पूरा प्रोसेस बताऊंगा, एंड तक बने रहना कृपया करके। तो घर में कैसे पॉलिश कराना चाहिए, बाहर धूप मिट्टी प्योर वाटर प्रूफ बारिश वृश में सभी चीज़ को सुरक्षा, कौन सा पॉलिश रखता है, तो पूरा एंड तक बनना दोस्तों, सभी प्रोसेस एंड में बताऊँगा जैसे जैसे। तो फ्रेंड सैंपल तौर से सबसे पहले स्टार्टिंग कौन सा रेगमा से करना है, सबसे पहले 320 नंबर, ये 320 नंबर वाटर प्रूफ है, हल्के हल्के से लगाना, ज़्यादा दबा के मत मारना नहीं तो रेसा मिट जाएगा इसका। और कोशिश करना हल्के हल्के से लगाना, जैसे नीचे पल्ला में सैंपल को दोस्त रखा हो जहाँ पर रेसा इधर जाता है इधर ही लगाना, हल्के हल्के लगाते रहना, यानी कि बाद में इसको पटीन फर के फिर से रेगमा लगाएंगे, पहले सभी को क्लीन कर लें, रेगमा लगा लें सभी। 320 नंबर से हमेशा स्टार्टिंग करें, विनियर कोई सा भी हो, सागवानों को हर एक क्वालिटी का विनियर होता है। तो फ्रेंड जितने भी कील बाहर दिखे उसको अंदर करना है, क्योंकि उसके बाद वुड फिलर भरना है, उसके ऊपर वुड फिलर भरना है तो कील दिखने लग जाता है कलर में, तो इसलिए आपको दिक्कत आएगा। तो कील को भी पहले अंदर कर लें, 320 के नंबर लगाते समय चेक करते रहना है साथ में। तो फ्रेंड घर में भी पॉलिश कैसे कराना चाहिए, प्योर वाटर प्रूफिंग, धूप में भी ना ख़राब हो, और अंदर के लिए भी बेस्ट हो, बाहर के लिए भी बेस्ट हो। मैं इम्पोरियो का पॉलिश एशियन पेंट का बहुत ही ज़्यादा हाई में है और बेस्ट क्वालिटी भी है। तो फ्रेंड ये स्पिल्ट है, उधर भी है, इमरजेंसी के लिए लेकर रखा हूँ, काम ज़्यादा है इसलिए। तो रगड़ाई तो अभी बहुत चीज़ बाकी अभी था, तो इसको साथ में फूलने के लिए रख देते हैं, घुलने में भी टाइम लग जाता है इसको। ये स्पिल्ट 1 लीटर का बोतल है ये, और इसमें 250 ग्राम डालेंगे लाग दाना, 250 से कम ही रख लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, और धूप में रख देंगे घुलने के लिए 5 या 6 घंटे में अच्छे तरीके से घुल जाएगा धूप में। तो ब्रेड धूप में रख देना है, कम से कम 5 या 7 घंटे के लिए रख देना है, अच्छे तरीके से घुल जाएगा। फ्रेंड वॉर्नेट ये पटीन है, हार्ड बहुत ज़्यादा होता है, और रेगमाल तो सभी चीज़ हो चुका है, और पाउडर मत या यूज़ करना, जैसे चौक मिट्टी कोई पीली मिट्टी में लगा के अप्लाई कर देते हैं, उसकी लाइफ बहुत कम होता है। और ये वुड फिलर अप्लाई करो, कोई सा भी कंपनी यूज़ कर सकते हो वुड फिलर, नाम से एशियन पेंट नेरोलैक वर्जन सभी कंपनी का मिल जाता है। और ये वॉर्नेट सभी पल्ला पर रेगमाल लग चुका है, और इधर इसकी नस भराई कर रहा हूँ, जैसे पाउडर नहीं ब्रश से मारते वैसे, इसको बाद में रेगमाल सूखने के बाद लगा देंगे इसको पतला। तो फ्रेंड कोशिश करें वुड फिलर को पानी डाल लें उसमें, पतला रखें, और रेगमाल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, तुरंत निकल जाएगा, जितने भी गड्ढे गुड्ढे हैं सब भर जाएगा दोस्तों, पूरा अच्छे तरीका से अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड सभी पर पट्टी अप्लाई हो चुका है वुड फिलर का, ये ब्राउन कलर में पॉलिश लेके जाऊँगा विनियर है, और इसके ऊपर सूख चुका है, और 320 नंबर का रेगमाल लगाएंगे पूरे अच्छे तरीके से सभी पर, और ऐसा निकालेंगे दबा के, थोड़ा सा लगेगा इसमें रेगमाल, थोड़ा सा दबा के, ज़्यादा मत भी दबाना, जहाँ जहाँ गड्ढे हैं अपने आप छूट जाएगा ये देखिए दोस्तों। और उसके बाद अभी रेसा कम दिख रहा होगा, इस पर अगर कलर चढ़ाऊंगा ना तब आपको दिखेगा, रेगमाल लगाते रहना, जहाँ गड्ढा कुछ है अपने आप छूट जाएगा,
कोशिश करना पूरा रगड़ दें पट्टी को, सभी को निकाल दें कि सिर्फ नस नस भराई होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे पाउडर अप्लाई कर देंगे उसकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो पॉलिश का काम बहुत बारीकी होता है और ध्यान से और सावधानी से करें। इसके बाद एपॉक्सी इंसुलेटर अप्लाई करेंगे, तब जाके देखना दोस्तों रेशा कितना निकलेगा इसका, अभी तक कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। और इसके ऊपर रेगमाल लगा के सभी पर करल चढ़ाएंगे, तो रेगमाल लगा लेना ठीक है दोस्त। जैसे कि हल्के हल्के से रेशा दिख रहा होगा, अभी पूरा कटाई कर दिया, जैसे कि यहाँ पर ज़्यादा पट्टी नहीं और यहाँ पर ज़्यादा रेगमाल लगाया था, ऐसा बनाना है इसको। तो फ्रेंड देख सकते हैं कहाँ कहाँ तक रेगमाल लग गया, उधर के साइड अभी रहता है और इधर लग चुका है, और मैंने साफ किया था थोड़ा सा हाथ से। उसके बाद अगर इस पर पॉक्सी अगर डालेगा ना, पूरा एक एक रेशा दिखने लगे, जैसे कि ये ब्रिक ब्रिक हो दिख रहा होगा आपको, वुड फिलर है, जहाँ जहाँ गड्ढा है इसकी नस पूरी भराई हो चुकी है और पूरा क्लीन कर दिया था मैंने रेगमाल लगा के, तो उसको सभी पर साफ सुफ कर लेंगे अच्छे तरीके से। सफाई वाला ब्रश से साफ करना है इसको, तो सभी को मैंने साफ कर लिया, देखने में ऐसा है अभी। तो फ्रेंड सभी चीज़ को मैंने सफाई कर लिया, उसके बाद स्पेल्ट से इसको साफ करेंगे, धूल मिट्टी कचरा वचरा हो जो भी हो निकल जाएगा, अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे पहले ब्रश से अच्छी तरीके से हटा लें, उसके बाद स्पेल्ट से साफ करेंगे इसको। फ्रेंड सभी को पल्ला सफा साफ कर दिया मैंने ब्रश से, और अच्छे तरीके से साफ हो गया, उसके बाद स्पेल्ट से और कपड़े से साफ करेंगे, मलमल का कपड़ा है, स्पेल्ट से साफ कर दूंगा धूल मिट्टी ना हो। अच्छी तरीके से साफ कर लूँगा स्पेल्ट से। तो फ्रेंड ये कलर नहीं है, स्पेल्ट है, स्पेल्ट से मैं साफ कर रहा हूँ, सिर्फ साफ मैं इसलिए कर रहा हूँ कोई मिट्टी वुड फिलर का होता है पीठ में नस में ना हो, पूरी अच्छी तरीके से निकल जाए, जो गड्ढे हैं वो रह जाएगा, तो इसलिए मैं सभी को क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि प्यू पॉलिश में बहुत ही ध्यान से चलना पड़ता है। उधर स्पेल्ट से साफ हो गया, कितना फर्क है स्पेल्ट के साथ, मट्टी मुट्टी जो भी है निकल जाएगा, धूल मिट्टी स्पेल्ट के साथ साफ कर लूँगा, उसके बाद कलर चढ़ाऊँगा इसके ऊपर, लाग दाना भी घुल चुका है बोतल में पूरा, और ब्राउन कलर करेंगे वॉर्नेट। तो फ्रेंड इधर टेप लगाने का बेनिफिट, मतलब इधर से कलर चढ़ाएंगे ना इस पर नहीं जाएगा दूसरे पर, इसलिए मैं टेप लगा रहा हूँ इस पर, सफाई से काम करेंगे, पहले अंदर का कलर देंगे तब बाद में इस पर। फ्रेंड लाग दाना बिल्कुल घुल चुका है, तो ये मैं कपड़ा ले लिया, छानूंगा कपड़े से, कपड़े से ये ब्राउन है, वराउन पॉलिश होगा, वॉर्नेट से नाम से मिलता है, एशियन पेंट कंपनी का है, 70 रुपया यहाँ पर MRP लगाया गया है, 200 ग्राम का है, सॉरी 100 ml का, 100 ग्राम। फ्रेंड छानते हैं कपड़े से लाग दाने को, मैं ले लूँगा थोड़ा सा, उसके बाद स्पिल्ट करके पतला करूँगा इसमें, ये ब्राउन पॉलिश ज़्यादा मत डालना, और जितना गद्दी लगाओ उतने डार्क होता चला जाएगा कलर, मैंने 100 50 ml ले लिया इसमें से, तो कलर मिक्स हो गया लागदाने में, ज़्यादा मत यूज़ करना क्योंकि पॉक्सी हमने अप्लाई करना है, इसलिए लागदाना बहुत ही ना के बराबर यूज़ करना है। कलर देने के लिए मलमल का कपड़ा है, ये सूती कपड़ा है और हार्डवेयर दुकान से मिल जाता है कलर, ये कपड़ा ले सकते हो, और मैंने ये चुन्नी हेल्प से लेकर कलर चढ़ाऊँगा, बहुत अच्छा कलर चढ़ेगा इससे, मलमल का है कॉटन। तो फ्रेंड ये कलर ले लिया मैंने, ऐसे डुबो के नचोड़ना है इसको पूरा, और हल्के हल्के से पहले इसको खींचना है, ये फट्टी को ये देखिए तो कलर चढ़ रहा है, और धीरे धीरे कलर चढ़ाएंगे इस पर, बिल्कुल कलर ऐसे चढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, और ये ऐसे चढ़ेगा कलर इसका। टेप लगाने का बेनिफिट बहुत है दोस्त, जो उधर नहीं लगेगा। इसमें कलर चढ़ चुका है, इसमें अभी चढ़ाना है, दोनों में फर्क है, जितना कलर चढ़ाओ उतना डार्क होता चला जाएगा। तो फ्रेंड कलर चढ़ाते समय दो कपड़ा रखना है हमेशा, एक सूखा कपड़ा के पीछे से, अगर कलर अच्छे तरीके से देना चाहते हो तो सूखा कपड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो जोड़ पड़ जाएगा, कभी भी ध्यान रखे दो कपड़ा हमेशा रखे। तो मैं पहले अकेला था इसलिए, और मैंने कैमरामैन आ गया तो इसलिए मैंने कैमरामैन को पकड़ा दिया था, ये इसलिए मैं
पहले सिंगल कपड़े से कर रहा था, डबल कपड़े से कर रहा हूँ, और सूखने के बाद बिल्कुल एक जैसा ही हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान है कलर चढ़ाना। फ्रेंड मैंने तीन हाथ मारा हूँ इसमें, और ज़्यादा डार्क नहीं करना। देखिए दोस्तों कितना कलर अच्छा लग रहा है इसमें, और इधर कुछ नहीं किया मैंने अभी। इस पर आप कलर डालेंगे बाद में, पहले ये हो गया बीच में का। तो फ्रेंड सभी पर कलर दे दिया मैंने, इसमें बाद में दूंगा, जो ग्रुप रह गया बाद में दूंगा, तो अभी देता इस पर कलर चढ़ जाता है इस पर। तो कोशिश करें इसको कलर बाद में दें, कलर सभी को एक जैसा बराबर हो गया। और इस पर आप पॉक्सी अप्लाई करूंगा, सूख चुका है, इस पर पॉक्सी अप्लाई करूंगा, कलर एक जैसा बराबर हो गया पूरा, और जहाँ भी नस दिख रहा है और इसकी भराई हो गई। अब पॉक्सी इंसुलेटर इतना हार्ड होता है, गीलापन कोई भी ऑयल वगैरह निकलता है उससे बहुत ही सुरक्षा रखता है। तो कोशिश करें प्यू पॉलिश हमेशा पॉक्सी इंसुलेटर से शुरू करें। तो चलो बनाते हैं पॉक्सी इंसुलेटर। तो फ्रेंड ये पॉक्सी है 2 लीटर 2 लीटर, मतलब बहुत ही आसान बनाने तरीका है, आधा आधा लीटर दोनों में से लेना। ये है अपॉक्सी, ये है हार्डनर इसका, ये हार्डनर, देखिए अपॉक्सी इंसुलेटर। तो दोनों मिक्स करेंगे, आधा लीटर इसमें से आधा लीटर इसमें से निकालना है, जितना जोर से उतना निकालना है, जब सूख जाएगा बहुत जल्दी सूख जाता है। कोशिश करें थोड़ा थोड़ा बना बना के यूज़ करें इसको। तो फ्रेंड मैं आधा लीटर बनाने वाला हूँ, और 250 ग्राम अपॉक्सी लूँगा। तो स्प्रे गन से ही करूँगा दोस्तों, स्प्रे गन से ही हो गई है, जितने भी मैं पॉलिश करूँगा अब जो भी प्रोसेस है सब स्प्रे गन से ही होगा। और नेक्स्ट वीडियो में कभी मिलेंगे, ब्रश के साथ मैं करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। पहले ये एपॉक्सी मैंने स्प्रे गन को अप्लाई कर दिया, और ज़्यादा हवा भी नहीं है, टेम्परेचर भी ठीक है, नीचे झाड़ू झूड़ू मार के धूल मिट्टी ना हो कहीं भी, पूरे अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। और नोज़ल को थोड़ा सा कवरिंग रखें, और एक कोट इधर से लगाएं और दूसरा कोट इधर से, तीसरा कोट तो मत ही मारना, यानी कि एक ही कोट में यानी कि कंप्लीट करना है इसको, पॉक्सी को डबल कोट मत मारना, फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको कभी भी। और एक लीटर में जैसे कि इपॉक्सी मार रहे हो, 200-300 ग्राम थ्रेडर ला इसमें थिनर, और कोशिश करें छामे करें, जैसे कि अंदर की तरफ, धूप में मत करें पीयू पॉलिश, नहीं तो बुलबुले बुलबुले से बन जाएगा धूप में, क्योंकि हीट हो जाता है। तो फ्रेंड इसके बाद एक दिन के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए, अच्छी तरीके से पूरा सूख जाएगा, उसके बाद 320 नंबर का रेगमा लगाएंगे इसके ऊपर, और फिर से इसको कलर देंगे, सेट करेंगे पूरा अच्छे तरीके से, जो ज़्यादा कलर दे देते हैं नीचे और थोड़ा सा देखने में इनपुट अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमेशा पॉक्सी के बाद कलर देना होता है। तो फ्रेंड पॉक्सी सूखने के बाद अच्छे तरीके से सूख चुका है पॉक्सी, और इसके बाद कलर देना है। पहले ग्रुप भी बाद में करेंगे, पहले 320 नंबर का अच्छे तरीके से दबा कर रगड़े पॉक्सी, क्योंकि अच्छे तरीके से रगड़ाई होगा पॉक्सी के ऊपर, तब उतना ही सफाई सीलर के ऊपर भी आएगा। मेन जड़ नीचे सिर्फ अपॉक्सी है, पॉक्सी हमेशा नस जल्दी भराई कर देता है, सीलर की कोटिंग से अच्छा बचाता है ये, ज़्यादा कोटिंग सीलर के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसकी लाइफ टाइम और ऑयल वगैरह कुछ भी है। और पॉक्सी सबसे ज़्यादा पीयू पॉलिश में सबसे ज़्यादा नीचे लगेगा, और उसके बाद कलर फ्रेंड उसके पॉक्सी के बाद कलर डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा और डार्क करना है। पॉक्सी के ऊपर भी कलर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद सीलर अप्लाई कर सकते हैं, बाद में मैट हो जाएगा, देखने में आपको चमक लग रहा होगा, बाद में बिल्कुल मैट हो जाता है। जितना कलर हाथ गद्दी लगाते चला जाओगे उतना ही डार्क होता चला जाएगा। हाँ एक बात और दोस्तों, पॉक्सी के ऊपर कहीं भी अगर पॉक्सी अप्लाई कर रहे हो सूखने के बाद चेक करना है, दोबारा वुड पिलर का जुड़ तो नहीं पड़ता है, जहाँ भी गड्ढे गुड्ढे दिखे भरना जरूर है दोस्तों, पूरी सफाई के साथ काम करना है। तो सभी पर अच्छे तरीके से कलर दे लेता हूँ, उसके बाद सीलर बनाएंगे, और सबसे पहले कलर देखने के बाद उसके बाद कलम ब्रश से ग्रुप जो होता है वुड स्टैनर डार करना है इसको, कुछ मत मिलाना इसमें, लागदाना जो होता है स्पिल्ट के साथ पतला कर देते कलर, वो यो मत यूज़ करना है, सिर्फ जो कलर आता है ट्यूब उसको जल्दी हो जाएगा डार्क। तो इसको ग्रुप को भी कंप्लीट कर लें, इसके बाद सीलर अप्लाई करेंगे, सभी 2-3 पल्ले हैं सीलर अप्लाई करेंगे। सभी चीज़ हो चुका है, पल्ला वहाँ पर तैयार हो चुका है, स्प्रे गन तैयार है, और सीलर बनाते हैं, सीलर की भराई होगी पहला कोट। तो चलो बनाते हैं, ये आधा लीटर का मेरे पास पैकिंग है, आधा लीटर सीलर में,
कम 250 ग्राम हार्डनर निकाला इसमें, 250 तो थोड़ा सा ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, कम हो जाएगा, चल जाएगा। निकालते हैं इसको, सीलर मैंने निकाल लिया, ये सीलर है, इसका शॉर्टकट फॉर्म लिखा होता है, तो ध्यान रखना ये वाला मत पढ़ना, ये वाला, ये SL सीलर, SL का मतलब सीलर होता है, सीलर। और हार्डनर डालते हैं इसमें, अब हार्डनर डालेंगे, ये हार्डनर है, पूरा फुल कर देंगे इसको। मैंने आधा लीटर का बना लिया, कम से कम मैंने 200 ग्राम निकाल लिया इसमें से हार्डनर। तो ढक्कन लगा देना साथ में, ये कोशिश करना 3 घंटे के अंदर अंदर लगाना है, नहीं तो सूख जाएगा ये। सीलर बन के तैयार हो चुका है, इसको पतला करने के लिए PU थिनर पड़ेगा, ये PU थिनर है, ये PU थिनर पड़ेगा। कोशिश करें सभी कंपनी एक ही यूज़ करें। तो चलो इसमें पहले सीलर अप्लाई करते हैं, बाद में थिनर डालेंगे पतला करने के लिए, क्योंकि मेरे पास डब्बा नहीं है अभी पर। ये PU थिनर सौ ग्राम मैंने थिनर डाला हूँ आधा लीटर में, मिक्स कर लेते हैं इसको स्प्रे करने। अगर कोई कचरा उचरा हो छान के लगाना। चलो स्प्रे गन सप्लाई करते हैं। सीलर अप्लाई करने से पहले सभी को कपड़े से अच्छे तरीके से साफ कर लें, क्लीन कर लें, नीचे जो कर रहे हैं वहाँ पर भी धूल मिट्टी ना हो, झाड़ू झूड़ू लगा लें, कोई सीलर के ऊपर मिट्टी नहीं पड़ना चाहिए। स्प्रे गन कवरिंग रखें, एक तिक्खा मारते कवरिंग करता है, उसको कवरिंग थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। कोशिश करें एक बारी एक जैसा ही कंप्लीट करें, जल्दी जल्दी मत मारना इधर उधर, जैसे कि एक कोट इधर तरफ से लगाए, एक कोट दूसरा तरफ से लगाना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रे गन चला रहा हूं मैं, और कवरिंग भी किया हूं, एक ही बारी एक ही स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूं, ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहा हूं। तो फ्रेंड थोड़ा सा वीडियो मैं तेज़ कर दूंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक कोट मैंने अप्लाई कर लिया था, उसके बाद दूसरा कोट सिलर के एक बार लगा के फिर मैंने अप्लाई किया था दूसरा कोट, इसका वीडियो नहीं होना बहुत लंबा हो जाता। हमेशा दो कोट सिलर लगाएं, अच्छे तरीके से स्प्रे गन से भराई हो जाता है। पहला एक कोट लगाने के बाद सिलर अच्छे तरीके से उसको रेगमा लगाएं, 320 नंबर का रेगमा रगड़ के फिर से सिलर अप्लाई कर दें। तो फ्रेंड वीडियो को तेज़ कर दूंगा, उसके बाद डबल कोट मैंने अप्लाई कर दिया था, ये डबल कोट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप भी ज़रूर करना सीलर का डबल कोट, रेगमा लगाना ज़रूर है पहला कोट में। अगर पहला कोट सीलर कर रहे हो तो रेगमा बहुत लगाना ज़रूरी है, तभी आके आपका ज़्यादा सफाई आएगा। तो ये फाइनल कोट, इसके बाद रेगमा 600 नंबर का रेगमा लगाऊंगा सीलर के सूखने के बाद। ये डबल कोट सीलर कर रहा हूँ सभी पल्ले पर मैं कर दूँगा अब, और सूखने के बाद 600 नंबर का रेगमा लगाना है पूरे अच्छे तरीके से दबा के, क्योंकि मैट फिनिश करना है। चाहो तो आप ग्लॉस भी कर सकते हो और मैट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड सीलर पूरा सूख चुका है, एक दिन के लिए मैंने छोड़ दिया था, वैसे तो 5-6 घंटे के अंदर अंदर सूख जाता है, लेकिन एक दिन के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद 600 नंबर से रेगमा लगाएंगे, पूरा दबा के कटाई करेंगे सीलर को। ये 600 नंबर में लगा रहा हूँ इधर, और इधर मैं लगाया था पहले, और इधर लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड अच्छे तरीके से मैं दबा के रेगमा लगा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से रेगमा लगाना है, क्योंकि फाइनल कोट है हमारा। कहीं भी कलर कोलर देख भी चेक भी कर लें, ये उसके बाद मैट ग्लॉस की जगह समझो मैट कर देंगे। मैट में बिल्कुल चमक नहीं होता, बिल्कुल जीरो लेवल मैट होता है। और पूरे अच्छे तरीके से सभी पल्ले को मैंने रेगमा लगा लिया था, पूरे अच्छे तरीके से दबा के कहीं भी धूल मिट्टी कचरा सभी पर निकाल दिया था ब्रश से, और कपड़े से भी साफ कर दिया था इसको। तो सभी को साफ करना है, सावधानी से PU पॉलिश करें। बहुत रेगमा लगाया मैंने 600 नंबर, उसके बाद कपड़े साफ करता हूँ, फिनिश देखना इसकी कितनी आएगी। बहुत ज़्यादा फिनिश है, वीडियो में तो ऐसा दिख रहा है, रियल में मत पूछना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फिनिश है। और इस पर मैट करूँगा अब, मैट चाहो तो ग्लॉस भी कर सकते हो, मैंने मैट करना है क्योंकि मालिक ने मैट ही बोला है, मैट क्लियर। ये ग्लॉस की जगह मैट भी बोल सकते हो, मैट मिल जाएगा, इम्पोरियो कंपनी का है। और देखिए दोस्तों मैट, इम्पोरियो मैट, MT का मतलब मैट होता है ये वाला, ये MT मैट,
इम्पोरियो मैट, इसके बनाने का भी सेम तरीका है। 4 लीटर की दोनों यानी कि पैकिंग है, 4 लीटर की पैकिंग है, बड़ी पैकिंग है, लीटर का भी मिल जाएगा। और इसको भी थिनर 300 ग्राम ही रखना है, हार्डनर और थिनर 200 ग्राम। चलो मिक्स करते हैं, बनाता हूँ। फ्रेंड ये मैट और आधा लीटर बनाएंगे इसमें, ये आधा लीटर का पैकिंग है, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि दो पल्ले पर अप्लाई करना है सिंगल। और पतला करने के लिए प्यू थिनर और हार्डनर डालेंगे 300 ग्राम। फ्रेंड 300 ग्राम हार्डनर, पतला करने के लिए थिनर, प्यू थिनर है, एशियन पेंट का प्यू थिनर, प्यू थिनर। तो फ्रेंड स्प्रे गन से अप्लाई कर रहा हूँ, नीचे मैंने पूरा ध्यान रखा था, नीचे धूल मिट्टी नहीं है। तो इसको धूप में करें या छा में करें, और कहीं भी ध्यान रखें जो स्प्रे गन चला रहा हूँ उड़ उड़ के ऊपर ना पड़े। अभी गीला है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जैसे कोई पेंटर भाई कमरे में करते लेकिन उड़ उड़ के ऊपर ही चिपक जाता है, बहुत ही दिक्कत आता है, दाना दाना सा बन जाएगा, हाथ में रड़कने लग जाएगा, बाद में कंपाउंड करना पड़ेगा आपको। ये धीरे धीरे मैट होता जा रहा है, ये प्यू पॉलिश हार्डनर के साथ आता है, जल्दी ही सूख जाता है। ये देखना तो इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा बढ़िया आएगा, फिनिशिंग सबसे ज़्यादा, लेकिन महंगा ज़रूर है प्यू पॉलिश में, और फिनिश बहुत ही अच्छा मिलता है। तो प्योर वाटर प्रूफ हुआ, धूप से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पल्ले का, तो बहुत ही अच्छा फिनिश है, कहीं भी करवा सकते हो। ये मैट होता जा रहा है दोस्तों, देखना दोस्तों मैट बहुत ही अच्छा लगता है, इसका क्वालिटी शाइनिंग से भी बहुत ही अच्छा है। तो शाइनिंग भी अपना जगह सही है, लेकिन मैट भी काफ़ी बढ़िया है। मैट करके दिखाऊं, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट है मैट, क्योंकि शाइनिंग में लकड़ी का डेंट होता है, जो लकड़ का होता है डेंट, वो दिखने लग जाता है, क्योंकि हाई ग्लॉस होता है उसमें हर एक चीज़ दिखने लग जाता है। लेकिन मैट जब फिनिश देता है, क्लियर फिनिश देगा। तो फ्रेंड इसका भी दो कोट मारना है, जैसे एक कोट लगा के रेगमाल अच्छे तरीके से फिर से लगाना है 600 नंबर का, जैसे मैट है ये एक कोट लगा रहा हूँ, इसको सूखने के बाद रेगमाल लगाना ज़रूरी है, इसके ऊपर लास्ट कोट डालना अभी बाकी है। तो उसका मैं वीडियो नहीं बनाया था, तो प्लीज़ इसको डबल करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत लंबा हो जाता वीडियो बना देता, क्योंकि पेंटर भाई इतना कोई भाड़े भाई वीडियो इतना मेरा देखता नहीं है, लेकिन देखता कोई जरूर है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, क्योंकि भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस भाइयों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया दिल से धन्यवाद बोलता हूं, और जिस भाइयों ने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मैट अब बिल्कुल सूख चुका है, ये मैट फिनिश है, और ग्लॉस करना चाहते तो पूरी फिनिश है, और देखने में इसका बहुत ही लुक अच्छा है। हो सके आपको इतना क्लियर नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा डोर लग रहा है। पूरा फाइनल हो चुका है अभी, इसके साथ और भी डोर है, उसका भी मैं अभी बता रहा हूँ, पहले सिंपल के तौर देख ले, अंदर की तरफ से भी दिखा देता हूँ अभी कैसा है देखने में। तो फिलहाल अंदर की तरफ से ऐसा है, पूरा यहाँ ध्यान रखा गया है, हैंडल उंडल को कहीं भी खरोच तक नहीं आया इसमें, खोल के पूरा अच्छी तरीके से मैंने फिनिशिंग किया हूँ इसमें, और मैट क्वालिटी है। और उधर भी डोर दिखा देता हूँ, इधर भी 2-3 डोर बना रखा हूँ मैंने, तो इधर फिलहाल 2 डोर है यहाँ पर, चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फिनिश, मैट और ग्लॉस भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से देखने में इनपुट बहुत अच्छा है, शानदार प्रीमियम लुक और लग्जरी वुड फिनिश के एशियन पेंट का क्वालिटी है। और पीयू हमेशा महंगा होता है और टाइम काफ़ी लगता है करने में, लेकिन इसका रेट की बात करूँ तो 120 रुपये स्क्वायर फुट चलता है, और बीज मटेरियल बात करें तो 300 स्क्वायर फुट रेट का चलता है मतलब। तो बाहर से दिखा देता हूँ लॉक लगा के कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, करा सकते हो कहीं भी। ये जाली वाला डोर कुछ नहीं है, सिर्फ लक्कड़ प्राइमर के लिए छोड़ रखा हूँ इस पर,
और देखने में अभी फिलहाल ऐसा डोर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लुक इसका सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। और देख लें एक बारी, बहुत ही अच्छा लुक है इसका डोर का। तो मैट, ये मैट फिनिश है, मैट बहुत ही अच्छा फिनिश, ज़बरदस्त फिनिश है इसका। कहीं भी अगर कराना हो, कोई सा भी एरिया हो, दिल्ली की रेंज में हम लोग काम कर देते हैं और दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं जाते। अगर करवाना हो तो ली ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम पूरी अच्छे तरीके से काम करती है वर्क। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।